हेलो एवरीवन, मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आप ही के रिक्वेस्ट पर मुझे 200 से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली मैसेज पर, मैसेंजर्स पर मैसेजेस मिले, और कमेंट में भी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जो कि आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे कैसे निपटा जाए, उस पर हो, हाउ टू डील विद स्ट्रेस इन योर लाइफ। तो आज का मेरा जो टाइटल है इस वीडियो का यही है कि आप स्ट्रेस से कैसे निपटे, हाउ टू लिव योर लाइफ स्ट्रेस फ्री। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी आपको योगा करने के लिए एडवाइस दूंगा, मैं आपको कहूंगा मेडिटेशन कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, या फिर सांस जो होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, सांसों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, या फिर चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, अगर ये सब करने से स्ट्रेस कम होता तो आई थिंक आज दुनिया में स्ट्रेस होता ही नहीं। इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी कितना असर करते हैं पता नहीं, लेकिन जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, मोटिवेशनल गुरुज हैं, वो यही चीज़ें फॉलो करते हैं। आप किसी के भी सेमिनार में चले जाइए, दुनिया का कोई भी बंदा हो, वो कहीं भी ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहा हो, यही सब बातें, यही सब एक्सरसाइजेस वो लोग करवाते हैं। बट मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गूगल वगैरह को ज़्यादा रेफर नहीं करता। मैं खुद की रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो भी हैं उन सबको एनालाइज करता हूँ, और जो अपना आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके साथ रिलेट करके उसके सोल्यूशन ढूंढ कर आपके सामने लाता हूँ। ये तो आपने मेरे जो पिछले वीडियोज़ हैं उसमें आपने देख ही लिया होगा। तो आज की डेट में जो पहला प्रॉब्लम है जिससे स्ट्रेस बहुत आता है लोगों को, मैं यहाँ चार बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो पहला प्रॉब्लम है जिससे स्ट्रेस ज़्यादा होता है वो है कि हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते। बात सही है, वी डोंट लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि जब तक आप अपना पास्ट नहीं भुलाएंगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंग्लिश में भी यही ऐसा ही कोट है कि इफ़ यू डोंट फॉरगेट योर पास्ट यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ। सक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं। तो पास्ट को भूलना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट में जिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। फ्यूचर जो आपने देखा ही नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है, उसके बारे में इतना सोचना वो स्ट्रेस ही लाएगा। एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कबीर जी बहुत बड़े संत हुए हैं भारत में, वो कहते हैं प्रारब्ध बना पहले पाछे एह शरीर, कबीर अचंबा इसी बात का मन नहीं बांधे दिए। यहाँ पर संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो प्रारब्ध है यानी आपके साथ कब कब क्या क्या होने वाला है, पूरी ज़िंदगी पहले से लिखी हुई है, भगवान में सब लिखा हुआ है। प्रारब्ध बना पहले पाछे एह शरीर, पहले किस्मत लिखी गई, फिर इस शरीर को बनाया गया, आपको जन्म मिला। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मन है ना, उसको कहीं भी आराम नहीं है, बहुत विचलित रहता है मन। देखिए ना, लोग जो घर में रहते हैं उनको बाहर की फिक्र होती है, और जो बाहर रहते हैं काम काज पर जाते हैं उनको घर की फिक्र रहती है। पार्क में बैठकर लोग सिनेमा के बारे में डिस्कस करते हैं, और सिनेमा हॉल में बैठकर ये सोचते हैं कि कब पिक्चर खत्म हो और पार्क में जाकर बैठे। मन कहीं रुकता ही नहीं है। तो गुरबानी में भी कहा है, हमारी सिखों की जो हमारी जो गुरु ग्रंथ साहब है उसने भी कहा है, मन जीते जग जीत, अपने मन को जीतिए आप पूरे जग को जीत जाएंगे। आई थिंक सभी जितनी भी धार्मिक वर्ड्यू से किताबें हैं, होली बुक्स हैं, सब में ये बातें लिखी हैं कि आपको अगर लोगों को जीतना है, वर्ल्ड को जीतना है, तो पहले खुद पर विजय प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। तो लिव इन प्रेजेंट, अपने मन को समझाइए, आज के बारे में ज़्यादा सोचिए। मैं ये नहीं कहता फ्यूचर के बारे में मत सोचो, लेकिन जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, जो सिचुएशन के ऊपर, उसके ऊपर सोचना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। जब होगा
तब होगा, देखा जाएगा, बी ब्रेव टू फेस दैट, आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं और, अभी जब ये टॉपिक निकला है तो एक और बात शेयर कर दो। कबीर जी कहते हैं, चाह मिटी, चाह मतलब चाहत, चाह मिटी चिंता मिटी, सही है ना, अगर चाहत मिट गई तो चिंता भी मिट जाएगी। चाह मिटी मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जो मन है वो बेपरवाह हो जाता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। यही तो मैंने अभी भी आपको कहा, लिव इन प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो ये, डोंट टेक अदर पीपल टॉक टू योर हार्ट। लोगों का काम है बोलना, बोलते ही रहेंगे, कोई कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलता, मुंह पे तो बिल्कुल नहीं बोलता, पीछे भले बोलते हो, और पीछे भी क्या बोलते हैं वो तो आपको पता ही होगा। दुनिया है, दुनिया की यही रीत है, तो हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। डोंट टेक अदर पीपल्स टॉक टू योर हार्ट। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक संत हुए हैं गुलाम फरीद, फरीद जी उनको लोग पॉपुलरली नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बात लिखी, वो बात थी लैला मजनू के बारे में। लैला मजनू तो सबको पता होगा, एक प्रेमी जोड़े का नाम था। उसमें एक चीज़ उन्होंने बताई कि मजनू तो चलो अच्छा था, हैंडसम, चार्मिंग पर्सनालिटी उसकी थी, लेकिन जो लैला थी ना वो सांवली थी, और वो ज़माने में सांवले रंग को भी लोग काला बोलते थे। तो एक बार ऐसे हुआ, उन्होंने अपनी एक किताब में, वो ज़माने में जब वो लिखते थे, तो उन्होंने लिखा है, और वो पर्शियन लैंग्वेज में जो कि पंजाबी है, उसमें वो कहते हैं, एक दिन मजनू नु किसी ने आख्या कि तेरी लैला काली। मजनू ने उत्तो जवाब दिता, वो तेरी अख नहीं देखन वाली। मतलब जो मजनू थे उनको एक दिन किसी ने ऐसे ही टॉन पार दिया, यू नो, बातों बातों में बोल दिया कि तेरी लैला तो काली है, और मजनू ने सीधे सीधे जवाब दिया, तेरी आँख ही नहीं है जो उस खूबसूरती को देख सके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक दिन मजनू नु किसी ने आख्या कि तेरी लैला काली। मजनू ने उत्तो जवाब दिता, वो तेरी अख नहीं देखन वाली। कुरान शरीफ दे पन्ने चिट्टे ते उत्ते शाही काली। गुलाम फरीदा जदो दिल मिल जांदे ते की गोरी की काली। पहला तो मैंने आपको बात समझा दी कि उन्होंने जवाब अच्छा दिया कि भाई तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी आँख जो है ना वो देख नहीं सकती, भले उसका जो रंग रूप है वो काला है लेकिन उसकी खूबसूरती तो देखिए। आगे जो कहते हैं, जो कुरान शरीफ जो होली बुक है अपने जो मुस्लिम्स की है, उनके भी जो पन्ने, पन्ने मतलब जो पेजेस हैं, वो पेजेस जो हैं वो चिट्टे हैं, मतलब वाइट हैं, लेकिन उस पर भी तो स्याही जो है वो काली है। और आगे गुलाम फरीद अपनी तरफ से कहते हैं कि जब दिल आ जाता है ना किसी पर, तो फिर क्या गोरी क्या काली। देखिए मजनू ने इस बात को फेस किया, वो डरा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर कर बैठ जाते हैं और स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, मुझे इसने ऐसा कहा, ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। यही चीज़ को करना आपको स्ट्रेसफुल बना देता है। मजनू ने कहाँ स्ट्रेस लिया, बेधड़क उन्होंने, बोलते हैं ना, सामना किया लोगों का, और देखो कैसी बात लोगों के सामने रख दी कि आज तक लोग याद करते हैं। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, मैं एक क्लासेस में पढ़ाता था, वहाँ पर टाई एंड साड़ी डे था, ये 11th और 12th जो होते हैं ना उनके बैचेस में उन्होंने एक दिन रखा था, फंक्शन रखा था, मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया था। एक लड़की वहाँ पर बहुत अच्छी थी, ज्योति उसका नाम है, वो भी सांवली थी और थोड़ा उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था। तो ऐसा हुआ कि बाकी जो लड़कियां वहाँ बन ठन के आई थी, साड़ी, अपने मॉम की साड़ी पहन लेते हैं, अच्छे से अच्छी जो भी घर में साड़ी हो, गहने वगैरह सब बहुत अच्छे से, मतलब डेकटाप होकर आई थी सभी लड़कियां, ये भी आई थी। पता नहीं क्या हुआ, कुछ लड़कियों ने उस पर कुछ कमेंट कर दिया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो हम जो प्रोफेसर वहाँ थे इस बात को नोटिस किया और उसे हमने
जो अपना कैबिन है रिसेप्शनिस्ट जहाँ पर बैठती है वहाँ उसे बुलाया और कहा व्हाट हैपेंड, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा सर ये लोग ने मुझे ना मेरे कॉम्प्लेक्शन के ऊपर ना ताना दिया। मैंने उसे भी वही कहा, मैंने कहा उन्होंने ताना दिया तो क्या हुआ, तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती। उसने बोला सर ऐसे कैसे डिफेंड करूँ, सभी लोग मुझे हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने उसे दो लाइनें बोली और कहा अब हम वहाँ पर एक शेर व शायरी का प्रोग्राम रखने वाले हैं तो उसमें मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम दो चार शेर अपने भी बता देना, शायरी जो भी है, और फिर अंत में ये शायरी भी बोल देना, यू विल फील गुड। उसने वही किया और वो लाइन सुनने के बाद शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट। उसकी बारी आई, उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, दो चार शेर अच्छे अच्छे बोले एंड अंत में जो मैंने उसे कहा था उसने वो भी बोल दिया। दो ही लाइन थी और वो लाइन ये थी, मेकअप से बदल रही है, मेकअप से बदल रही है असलियत की पहचान, मेकअप से बदल रही है असलियत की पहचान, ऊपर से ताजमहल और अंदर से कब्रिस्तान। मैंने भी इसको एक बुक में पढ़ा था, मेरी खुद की ये लाइंस नहीं है, मुझे तो सिर्फ याद आ गई और मैंने उसे बता दी कि भाई हाउ टू डिफेंड यू नो। मैंने उसे यही सिखाया कि लोगों की बात सुनो मत, अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है, चोट पहुंचाता है, हर्ट करता है तो यू नीड टू फेस दैट। स्ट्रेस लेने से अच्छा कि स्ट्रेस दो लोगों को और इतना स्ट्रेस दो कि वो तुम्हें स्ट्रेस देने के लायक ही ना रहे। बात समझ में आई? और आज तक वो मुझे याद करती है, मेरी स्टूडेंट है, अब तो उसने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया। लेकिन अच्छे ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे बहुत याद रहते हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से याद हूँ कि मैंने किस तरीके से उनको अलग अलग मोड़ पर ज़िंदगी के अपने आप को संभालना और लोगों के सामने किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करना ये सब सिखाया। एनीवेज तो दो बातें मैंने आपको बताई जिंदगी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, पहली लिव इन प्रेजेंट, दूसरी डोंट टेक अदर पीपल्स टॉक, लोग क्या बोलते हैं उसे अपने दिल पर मत लीजिए। तीसरी बात पे आते हैं, तीसरी बात ये है जब भी आप पब्लिक में होते हो दोस्तों के साथ या कहीं भी, यू नो टॉक लिमिटेड। चाणक्य ने भी अपने यू नो बातों में जो भी उन्होंने विचार सामने रखे हैं उन्होंने भी यही बात सामने रखी है, उन्होंने कहा कि कभी भी अपने सीक्रेट्स लोगों को नहीं बताने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो आपको ख़त्म कर देंगे, मतलब वैसे ख़त्म नहीं करें, मतलब आपको डीमोरलाइज कर सकते हैं, आपकी बातें लोगों को बता सकते हैं। कभी भी अपना थॉट प्रोसेस दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वो लोगों को बताइए जो आप बताना चाहते हैं और वो मत बताइए जो आप ना बताना चाहते। इसके लिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी, यू नीड टू प्रैक्टिस डे एंड नाइट फॉर दिस। एनीवेज तो यहाँ पर एक और बात में है जो संत कबीर ने भी कहा है, कबीर जी भी कहते हैं कबीर निज मन की वृथा मन ही राखो गोए, सुन के अठले हैं लोग सबे पाटन ना लिए कोए। कबीर जी कहते हैं जो भी आपके मन की बातें हैं, जैसे मैं काफी लोगों को देखता हूँ घर की बातें बाहर शेयर कर देते हैं, बाहर की बातें घर लाके शेयर कर देते हैं, इसी से तो प्रॉब्लम स्ट्रेस यही से तो शुरू होता है। जब आप किसी और की बातें लाकर घर बताएंगे तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, आपकी तुलना शुरू कर देंगे, यू नो, और यहीं से फिर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। यू नो मैं एक ही बात बोलता हूँ, अपना कंपटीशन जो है ना आपका अपने साथ होना चाहिए। जब भी साल एंड होता है ना, 31st जो भी साल का 31st हो, यू नो आप ये देखिए कि आप कहाँ पहुँचे, ये ना देखिए कि लोग कहाँ पहुँचे, ठीक है? तो कबीर जी वही कहते हैं जो भी अपनी मन की जो बातें हैं मन में रखो, क्योंकि सुन के अटले हैं लोग सब है। लोग आपकी बात सुनेंगे ज़रूर लेकिन क्या होंगे, बाद में आपका मजाक बनाएंगे और लोगों को बताएंगे, वो आपकी ही इमेज सोसाइटी में स्पॉइल करेंगे। मेरे साथ भी होता है, कभी अगर कुछ अच्छी बातें भी अपने खास दोस्तों को बता दें वो फैला देते हैं आगे। एनीवेज सबके साथ होता है। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, बी इंडिपेंडेंट डोंट बी डिपेंडेंट। क्या होता है ना, हम जब भी कोई कपड़ा खरीदते हैं या जो भी नई चीज़ खरीदते हैं हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक जगह पढ़ा था ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो कंफर्ट जो भी कंफर्टेबल लगता है आप वो कीजिए। दूसरे ने अगर अच्छे शूज़ लिए हैं आपको वो कंफर्टेबल नहीं है फिर भी आप खरीद कर पहनोगे उसको दिखाने के लिए, तो आप गलत कर रहे हो।
आप वो लीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। अंत में मैं बस आपके साथ एक ही बात शेयर करूंगा, कुछ पंक्तियां। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हारने वालों को कुछ नहीं मिलता और जीतने वालों के कदमों में जहां होता है। कुछ पंक्तियां और आपके साथ शेयर करता हूं। अपने अपनों से कभी रूठा नहीं करते, अपने अपनों से कभी रूठा नहीं करते, रिश्ते हाथों से कभी छूटा नहीं करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, अरे टूटती तो नींद है, सपने टूटा नहीं करते। मेरी यही आप सबसे उम्मीद है, जो भी आज मैंने आपके साथ शेयर किया वो आप जरूर इसको अपनाएंगे। और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, 21 डेज चैलेंज, 21 डेज चैलेंज। 21 दिन आप कोई भी बात, आपको जो हैबिट डालनी हो, 21 दिन तक उस कार्य को करिए। और लोग ऐसा कहते हैं कि 22वें दिन से आप खुद ही करना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ जो भी ये लोग 21 दिन का ये प्रोसेस वगैरह जो लोगों को बता रहे हैं, उनको 3 दिन के लिए उन लोगों के साथ बिठा दीजिए जो रोज दारू पीते हैं, क्या होगा आप सब समझ चुके हैं। वो 21 दिन वाली की जो एक्सरसाइज है वो 21वें दिन कंप्लीट होगी और 22वें दिन लोगों को उसकी आदत पड़ेगी, लेकिन इसको 3 दिन में वो आदत पड़ जाएगी और 4थे दिन वो खुद ही लाकर उनको पिलाना शुरू कर देगा। एनीवेज, ये तो जोक्स अपार्ट, जो भी मैंने आज आपको बताया, स्ट्रेस फ्री यही तो है जिंदगी को मुस्कुरा के जियो, जीना ही है ना भाई, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है, जिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए आप भी। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू।